65वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना रहे मुख्य अतिथि। नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा, तीखी नोकझोंक के बाद हुआ स्थगन। जिला पंचायत सभा कक्ष में हुई सर्व शिक्षा अभियान की बैठक। डीईओ अरविंद चौरागढ़े और डीपीसी जीएल साहू ने की बिंदुवार समीक्षा। और पीसीपी एंड डीटी समिति के सभापति चुने गए पंकज शुक्ला। समिति व निरीक्षण दल की बैठक संपन्न। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जयचंद्रवंशी, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एनएसजीएफआई के तत्वाधान में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन छिंदवाड़ा की मेजबानी में एक सफल और यादगार आयोजन बना। एसजीएफआई द्वारा मध्य प्रदेश में पहली बार खेली गई राष्ट्रीय स्तर की इस चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए भोपाल, इंदौर जैसे शहर कतार में ही रह गए, और छिंदवाड़ा जिला शिक्षा विभाग ने सफल आयोजन से साबित किया कि हाँ, हम बेहतर व्यवस्थाओं के साथ हर आयोजन के लिए तैयार हैं। 65वीं राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 17 वर्षीय बालक एवं बालिका बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, एडीएम राजेश शाही, एडिशनल एसपी शशांक गर्ग, एसडीएम अतुल सिंह, डीसीए प्रेसिडेंट जेपी सिंह तथा डीबीए प्रेसिडेंट राजेश अग्रवाल विशिष्ट अतिथि थे।
हमें सफलता मिलेगी। ये हमारा सौभाग्य बहुत बहुत सौभाग्य मिला है और इसलिए मैं मनी कमलनाथ जी का आज हमको आप सबका पूरा यहाँ सम्मान करने का, आपका प्रदर्शन देखने का मौका मिला। हम लोग भविष्य में चाहेंगे हमारा स्टेडियम भी अभी भविष्य में तैयार होना है, अभी हम लोग खेल के लिए उस लक्ष्य से तैयार नहीं। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं फुटबॉल की बात हो, कबड्डी की बात हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, सभी तरह के खेल हम राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में छिंदवाड़ा शहर में कमलनाथ जी का भूमि में, नकुलनाथ जी का भूमि में राष्ट्रीय स्तर का एक खेल महोत्सव करवाएंगे और उस कार्यक्रम में हम लोग सब चाहेंगे कि आप सब यहाँ आए हुए सभी राज्यों में हमारे भाई बहन। स्कूल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बॉयज में हरियाणा ने बाजी मारी, दिल्ली की टीम रनर अप रही। गर्ल्स में महाराष्ट्र की टीम ने बाजी मारी और कर्नाटक की टीम दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में बॉयज की ओर से भारत तगर और गर्ल्स में रिया हाबू ने खुद को बेहतरीन खिलाड़ी साबित किया। छिंदवाड़ा नगर निगम परिषद की बैठक परंपरानुसार तीखी नोकझोंक और हंगामे की भेंट चढ़ गई। परिषद की बैठक में महापौर कांता सदारंग, अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, सभापति गण और ईई एनएस बघेल तथा नेता प्रतिपक्ष असगर वासु अली सहित पार्षद मौजूद थे। हमारा कहना यह है दूसरे से परिचित हुए, एक दूसरे से हम लोगों के वाद विवाद भले हुए होंगे लेकिन हमारे एक दूसरे से अच्छे बुरे व्यवहार भी बने हैं, तो हमारा कहना यह था में आएंगे। ये पहली परिषद से 1994 से लगातार हम देख रहे हैं, पहली परिषद में दादा भक्त इनके पिताजी के साथ भी अवसर मिला काम करने का, सतवंत कौर जी और भी आशीष त्रिपाठी आदि बहुत सारे नेता ईश्वरी चौरसिया जो गिले सिंह में हमने यहाँ पे जो भी लड़ा होगा, हमने अपनी अपनी पार्टियों की बात रखी होगी, अपने अपने जो कामों को प्राथमिकता देते हुए अपने क्षेत्र की बात रखी होगी, करवाट भी हम लोगों के बीच में हुई होगी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा माहौल से भी है, हम सब सम्मति से सब लोग सहमत हो और इस बैठक को पोस्टपोन करते हुए आगामी समय में एक अच्छी बैठक आयोजित की जाए गेट टूगेदर के साथ। ये प्रस्ताव सब कोई बहुत बड़े नहीं है, पास करने वाले प्रस्ताव है, ना आपका विरोध इसमें होगा ना हमारा कहीं कोई विरोध होगा, और अगर ऐसा सब प्रस्ताव है तो इसके लिए आगे चर्चा की जा सकती है। मेरा भी माननीय अध्यक्ष कोई कारण से अधिकारी नहीं है तो बैठक कांग्रेस पार्षद तैयार बैठक कराने के लिए बैठक कराइए, गांधी जी की प्रतिमा लगी उसका। आज परिषद की बैठक रखी गई थी लेकिन बहुमत के आधार पर सभी पार्षदों ने मांग रखे कि आज की बैठक स्थगित की जाए क्योंकि आयुक्त उपायुक्त दोनों परिषद की बैठक में मौजूद नहीं थे। सभी बहुमत से पार्षदों का कहना था कि आज इतने दिनों बाद परिषद की बैठक हुई जो कि पिछले दो महीने से चर्चा हो रही थी बैठक रखने की, लेकिन आयुक्त के व्यस्त रहने के कारण बैठक नहीं हो पाई, सीएम साहब के बार बार छिंदवाड़ा दौरे के कारण बैठक नहीं हो पाई। आज आयुक्त से तय होकर बात कर आज बैठक रखी गई थी लेकिन आज वो फिर परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं रहे, इसलिए बहुमत के आधार पर पार्षदों ने वो आगामी तिथि तक स्थगित कर दी है परिषद की बैठक। आज
परिषद का जो सम्मेलन था, हम तो यहाँ चर्चा करने बैठे हुए थे शहर विकास को लेकर। एक तो क्या होता, परिषद की बैठक बुलाते नहीं है। बड़े दिनों बाद ये परिषद की बैठक कम से कम 4-6 महीने बाद बुलाई गई। उस परिषद की बैठक में जो जनहित के जो शहर के विकास के मुद्दे थे उसकी चर्चा होना था, लेकिन निगम अध्यक्ष जी, महापौर जी, सभापति, यानी बीजेपी के जितने भी सभापति और अध्यक्ष महापौर हैं, ये शहर के विकास को लेकर चर्चा करना नहीं चाहते। ये सदन छोड़ के जा चुके हैं। हमने इनसे बहुत निवेदन किया कि भाई परिषद अगर आई है, हुई है, तो परिषद पूरी कार्रवाई करके परिषद खत्म करो, चर्चा करो, शहर विकास के मुद्दों पर बात करो। लेकिन बात नहीं करे उनने, तो कहते परिषद छोड़ के चले। उनका कहना है हमने बहुमत के आधार पर स्थगन किया। हाँ, बहुमत के आधार पर ऐसा बोले हैं, लेकिन वोटिंग कुछ नहीं कराए हैं। बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग करवाना पड़ता। पार्षदों द्वारा, सभापतियों द्वारा जो आज परिषद की जो बैठक को अचानक एकाएक स्थगन कर दिया गया, उसके पीछे स्थगन करने के पीछे उनके पास कोई ठोस कारण नहीं था, क्योंकि वो शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, भागना चाहते। इस कारण से वह पूरी परिषद छोड़ के चले गए। आज हमारे पूरे कांग्रेस के पार्षद, चाहे पुरुष पार्षद, महिला पार्षद, अभी भी यहाँ बैठे हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, महापौर, सब परिषद छोड़ के चले गए। जबकि परिषद छोड़ के जाने का ऐसा कोई बड़ा कारण यहाँ समझ में नहीं आता कि क्यों गए छोड़ के। नगर निगम छिंदवाड़ा की परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसका एजेंडा नगर निगम के कमिश्नर द्वारा 7 दिन पूर्व जारी किया गया था। और बहुत दिनों से शहर की जनता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस बैठक का इंतज़ार कर रहे थे, और इतने दिनों बाद, लंबे समय बाद जो बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक का एजेंडा जारी करने के उपरांत हमारे कमिश्नर महोदय यहाँ से बैठक से में नदारद रहे। और जो हमारे और अन्य अधिकारी हैं, ये है जो चंदेरी साहब, वो और अन्य हमारे उपायुक्त हैं, वो सारे के सारे अधिकारी इस बैठक में अनुपस्थित रहे। और निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहुत सारी बातें इन बैठकों के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। जनहित के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो इन बैठकों में परिषद के निर्वाचित सदस्य रखना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने बहुमत के आधार पर इस बैठक को स्थगित किया है। आगामी समय में इन्हीं मुद्दों को लेकर ये बैठक फिर से आयोजित होगी और हमारे अधिकारी इस बैठक को गंभीरता से लेंगे, ऐसा हम सबका निवेदन उन अधिकारियों से है। जनहित के मुद्दों पर खुले भाव से चर्चा होनी आवश्यक है, और शहर में जो शहर का चौरमुखी विकास का जिम्मा जनता ने इन 48 निर्वाचित पार्षदों को दिया है, ये 48 पार्षदों के बीच में ये अधिकारी जनता की आवाज़ को सुनेंगे, ऐसा हम ऐसी आशा करते हुए निवेदन करेंगे कि आगामी समय में शीघ्र ही बैठक पुनः आयोजित। पीसीपी एंड डीटी सलाहकार समिति एवं निरीक्षण दल सदस्यों की बैठक आज एडीएम राजेश शाही की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नवीन सोनोग्राफी सेंटर्स खोलने हेतु प्राप्त आवेदन प्रस्तावों तथा नवीनीकरण आवेदनों पर चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पंकज शुक्ला समिति के सभापति चुने गए। तीन नवंबर को खत्म हो चुकी है और ये नवीनीकरण करने के लिए सलाहकार समिति के स्वीकृति मिलने के बाद ही उनका नवीनीकरण की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। तो इसलिए आज की बैठक इसलिए भी अहम है कि कौन नवीनीकरण के लायक है और किन के उसमें कोई बाधा आ रही है, तो उनको नवीनीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस विषय में भी। और उसके अलावा कुछ नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है कि हम उनके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दी है। ऐसे हैं कि जिनके पास कोई पुरानी मशीनें थी और वो उसकी जगह नई मशीन लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी सलाहकार समिति का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो ये सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और साहब के आने के पश्चात में अपन इस बात को, और इसमें एक डॉक्टर वृंदा खरातकर सौसर का जो केस था जो कोर्ट में लंबित था और उसका निर्णय आने के बाद में उनको वापस अनुमति मिल गई है सोनोग्राफी सेंटर खोलने की, तो वो भी कुछ कारणों बस कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम होने के कारण वो
नवीनीकरण उनका नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या हल निकाल सकते हैं? इसके जो मनोनीत सदस्य हैं अभी जो माननीय मंत्री जी द्वारा मनोनीत किए गए, इन्हीं में से एक सभापति का चुनाव किया गया है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज, क्योंकि वो भी सोनोग्राफी मशीन है और उस मशीन से सिर्फ हार्ट के केस जो रहते हैं उनकी जांच की जाती है, परंतु चूंकि वो सोनोग्राफी मशीन है तो उस इको मशीन के लिए भी रजिस्ट्रेशन लगता है। चूंकि जिला चिकित्सालय में पहले से रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा जिला चिकित्सालय में जो नई मशीन आती है, इस हर मशीन का एक मेक और मॉडल नंबर रहता है, वो मेक एंड मॉडल नंबर अगर। जिला पंचायत सभागार में आज सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीईओ अरविंद चौरागढ़े तथा डीपीसी जीएल साहू ने बीईओ बीआरसी बीएई तथा एपीई एवं उपयंत्रियों से विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा जरूरी निर्देश प्रदान किए। बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए अगर कमी पता चल जाए कौन सा व्यक्ति नहीं कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप शायद उससे बात कर सको। ऐसा देख लें, ये नाम वाइज है, वो तो सबको हटा दो, आप अभी करवा दीजिए हट जाएंगे। देखो हम लोगों ने हर बार कहा कि जो आपके उसमें अनुपस्थित टीचर्स मिलते हैं उनके खिलाफ है ना, क्या आपने कार्रवाई की है? जैसे अभी सभी लोगों ने बोला कि जब आप कुछ ना कुछ करके आएंगे अपनी छाप छोड़ के आएंगे जिले में आपकी मॉनिटर के दौरान मंथ अक्टूबर का था, लेकिन जब बात आई कि क्या कार्रवाई, क्लास भी अच्छे से चलती मिले, साफ सफाई भी साफ साफ मिले, तो ये हमने निकाला कि आपकी मॉनिटरिंग के दौरान ये एक ब्लॉक दो बार लिखा होगा, इसका मतलब ये है पीएस और एमएस अलग अलग आया है, ठीक है। यहाँ पर आया कि आपके निरीक्षण के दौरान 7894 टीचर्स पाए गए हैं उन स्कूलों में, उनके अगेंस्ट में केवल 7072 टीचर्स उपस्थित मिले थे। जब भी आपने मॉनिटरिंग परसेंटेज कर दिया, क्योंकि वो आंकड़े देखने में समझ नहीं आता कैसे क्या हो ऐसे, और 111% 10% से अबव अब्सेंट रहते हैं टीचर। अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आ रहा है कि आए दिन कोई ना कोई एक व्यक्ति है ऐसा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी हलचल में। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे। श्री राम भक्त हनुमान जी के परम भक्त प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या, माननीय कमलनाथ जी के दीर्घायु की कामना के लिए विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक बाबा हंसराज रघुवंशी द्वारा संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के समस्त धर्म प्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दिनांक 18 नवंबर दिन सोमवार समय रात्रि 8 बजे से, स्थान दशहरा मैदान पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा। कार्यक्रम के आयोजक दीपक बंदेवार एवं कपिल सोनी, मित्र मंडल छिंदवाड़ा। आँखों में सपने संजोए तेरी चाहत के,
बरसों से पलके बिछाए तेरी राहों में, जिंदगी में तुम मिले ऐसे कि एक रिश्ता बन गया, एक रिश्ता जो तेरे होने का एहसास दिलाता है, तुझसे दूर ही सही तेरे पास होने का एहसास दिलाता है, तेरे साथ एक नई दुनिया बसाना है। डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, द प्राइड ऑफ महाकौशल। ज्वेलर्स कामती वाले, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी भूपेंद्र चौधरी ने आज रोजगार सहायकों, पंचायत समन्वयकों व उपयंत्रियों की बैठक ली और शासन के निर्देशानुसार जारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। में कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हमारे 100% जो हो रहा है उसकी सीसी करना है, जिसमें से आज जो प्रदर्शित हो रहे हैं वो काम है 4 गांव, खापा कला, सिहोरा, मालनवाड़ा। पंचायत कर्मी नोट करेगी और उसके सीसी ऑनलाइन कराएंगे। बमरी, बनगांव, 4 गांव कैलार, चनिया कला, गांधीवाड़ा, जमुनिया, कुटिया, टोटल बकरी, पिपरिया लालू, ससरई, इन पंचायतों में मनरेगा के आंगनबाड़ी, सीसी रोड, चेक डैम, प्रधानमंत्री आवास योजना इसके काम पूर्ण हो चुके हैं। व्यय इसका 100% हो गया है इसकी सीसी का, ठीक है। आपका 90-99% खर्च हुआ है, अंतिम स्तर पर कार्ड है उसमें आप बता, इसमें 16,720 के अगेंस्ट में 16,540 व्यय हुआ है, इसमें खर्चा बाकी की सीसी होना है। अध्यापक संवर्गीय शिक्षक संघ 17 नवंबर रविवार के दिन एमएलबी स्कूल के प्रांगण आयोजित कार्यक्रम में लगभग 15,000 कॉपियों व पेन से सरकार का सम्मान करने जा रहा है। आयोजन समिति के सक्रिय पदाधिकारी अरविंद भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। आने वाली 17 तारीख को हम 12 बजे से स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक संवर्ग का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं,
जिसका उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो हम अध्यापक संवर्ग के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अध्यापक संवर्ग को स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्थानांतरण पॉलिसी देकर अपने घरों में काम करने का अवसर प्रदान किया है, और साथ ही साथ दीपावली की पूर्व संध्या पर सातवें वेतनमान का लाभ हम अध्यापक संवर्ग के साथियों को दिया है। इसके चलते अध्यापक संवर्ग जिला छिंदवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, और एक सामाजिक पहल करते हुए हम छिंदवाड़ा जिले सहित तमाम जिलों से कापियां और पेन एकत्रित करवाकर मध्य प्रदेश शासन का सम्मान कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 हज़ार कापियां हम छिंदवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय प्रशासन को सौंपेंगे। इसमें हमारे प्रभारी मंत्री और जिला के विधायकगण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हम समस्त अध्यापक संवर्ग से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को 12 बजे स्थानीय MLB में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। इंदिरा गांधी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज नवगठित छात्र परिषद ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य आलोक यादव ने की। छात्र परिषद वर्ष 19-20 में ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं महाविद्यालय एवं छात्र परिषद के प्रति पूर्ण लगन मान मर्यादा एवं सत्य निष्ठा से कार्य करूंगा तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो महाविद्यालय के अनुशासन एवं गरिमा के विरुद्ध हो। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 65वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना रहे मुख्य अतिथि। नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा, तीखी नोकझोंक के बाद हुआ स्थगन। जिला पंचायत सभा कक्ष में हुई सर्व शिक्षा अभियान की बैठक। DEO अरविंद चौरागढ़े और DPC GL साहू ने की बिंदुवार समीक्षा। और PCP एंड DT समिति के सभापति चुने गए पंकज शुक्ला। समिति व निरीक्षण दल की बैठक संपन्न। आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।